फोटो खिंचवा ली हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू व्लॉग में आप लोग का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग नहीं हुआ है, अभी रात के जो है सो 3 बज रहा है, फिर भी हम जग गए हैं तो इसीलिए गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। हैप्पी छठ पूजा आप सभी को। छठ पूजा की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। तो शाम का पूजा तो हो गया, छठ पूजा, अब सुबह की छठ पूजा बाकी है। तो 3 बज ही गया है, 5 बजे के बाद 6 बजे, हाँ सूर्य उदय हो जाएगा, उसके बाद 6 बजे सुबह वाला छठ पूजा हो जाएगा। तो अभी तो घड़ी में बज रहा है 3, लेकिन मेरे यहाँ पे भाभी जो है सो 1 बजे जग गई। देखिए दाल बन गया, चावल बन गया है, और इधर कढ़ाई में सब्जी चढ़ा हुआ है, और इधर भुजिया बन रहा है। तो बस आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ, है कि नहीं। तो इधर फटाफट से घर में झाड़ू लग रहा है, और इधर छोटी ब्रश कर भी ली है, हैं नहाने की तैयारी में है। अंकिता भी ब्रश कर ली है। गुड मॉर्निंग छोटी। गुड मॉर्निंग। और यहाँ देखिए टंकी वंकी नहीं है, है ना, कल चला करके पानी निकाल करके उसके बाद नहाना सुनाना है, सब काम करना है। इधर केला का भुजिया जो है सो इस कढ़ाई में है, और इस कढ़ाई में जो है सो मटर आलू का सब्जी। ओ माय गॉड। इधर दाल, इधर चावल, इधर एक और भुजिया। तो घर में जो है सो मेरी बड़ी दीदी जो है सो छठ पूजा की हुई है, तो इसीलिए खाना पीना जो है सो बन रहा है, है ना। दीदी का व्रत है, 3 दिन का फास्टिंग, महापूजा, छठ पूजा, तो दीदी का संपन्न हो जाएगा। बस सूर्य उदय होगा, दीदी हाथ उठाएगी तो दीदी का पूजा संपन्न होगा। 3 दिन का महापूजा, बहुत कठिन पूजा है ये छठ पूजा। बस बने रहिए आप लोग ब्लॉग वीडियो के साथ। तो इधर सब्जी बन के हो गया कंप्लीट, इधर भुजिया भी बन के हो गया कंप्लीट। तो खाना बन के हो गया है कंप्लीट, बस टिकरी तरुआ ये सब जो है सो छानना बाकी है। तो वो सब घाट से आएंगे तो गर्मा गर्म छानेंगे, है कि नहीं। उसके बाद तो अभी इतना खाना कंप्लीट हो गया है, तो अब जा रहे हैं ब्रश करने के लिए। ब्रश करके नहाना धुआना है, फिर तैयार होना है, फिर से घाट पे जाना है कि नहीं। तो उगते हुए सूरज देव को फिर से पूजा पाठ करना है, यही तो है महापर्व छठ पूजा। तो अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा न्यू ब्लॉग वीडियो अपलोड हो तो आप सब तक के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, और आप लोग मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ जुड़ पाए। बने रहिए मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ। तो हम लोग जो है सो तैयार श्यार हो गए हैं, अब सब पूरा ऑल फैमिली अब घाट की ओर निकलेंगे, है कि नहीं। उसके बाद अब बस 5:30 बज गया, रात के 2 बजे से जगे जगे, अभी 5:30 बज गया है, अभी तक घर में ही है। तो बस अब हम लोग घाट की ओर निकल रहे हैं, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ। इधर देख सकते हैं सब तैयार है, इधर ये अभी नहा करके आया है, इधर हेमा मालिनी बन के भी तैयार है, बड़की दीदी जो है सब पूजा करने के लिए तैयार है घाट पे जाने के लिए। तो अब हम लोग घाट की ओर निकल रहे हैं, बस दीदी हाथ में धूप ले ली है, है ना। सब पूरे बन ठन गए हैं, हम पुराना ही साड़ी पहने हैं, अब इस पर आप लोग कमेंट नहीं करने लग जाइएगा, है कि नहीं।
तो हम लोग घाट पे पहुंच गए हैं और ये देखिए पूरा से कोहरा लगा हुआ है ना, पूरा से। तो हम लोग पहुंच चुके हैं घाट पे और तो यहाँ हम लोग पहुंच गए घाट पे। दीदी हाथ में धूप लेकर के घर से निकली है, घाट तक के आ गई, अब यहाँ पे रख देगी। दीदी यहाँ मायके में जो है ना छठ पूजा नहीं करती, अपने ससुराल में करती है, इस बार आई है यहाँ करने। अब हम जो है सो पानी में दिया जो है सो बहा रहे हैं। क्या ऐसे आप लोग भी करते हैं अपने यहाँ छठ पूजा में? सूर्य उदय होने से पहले अर्घ में से एक दिया जो है सो पानी में ऐसे दिया जाता है। इधर आप लोग देख सकते हैं जो ठारी देता है वो पानी में सब उतर गए हैं, पूरा से कोहरा लगा हुआ है, उस पार के घाट के कोई नहीं दिख रहा है। इधर फैमिली के लोग मेरे मोहल्ले के सब हैं, भाभी दीदी मेरे बच्चे सब हैं। तो आप लोग के यहाँ भी ऐसे ही छठ पूजा होता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सूर्य उदय हो गए हैं, चलिए आप लोग हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। तो दीदी जो है सो पानी में तर गई है, अब नहाएगी डुबकी लगा के। इस बार उतना ठंड ही नहीं है, गर्मी का मौसम है, तो दीदी डुबकी लगा ली और पानी से अब निकल रही है हाथ उठाने के लिए। तो ये ईख का जो है पानी में जो है दिया हुआ है ना, वो नीचे झुक गया था, वही दीदी सरिया रही है। तो दीदी नहा करके निकल गई, अब अर्घ उठाएगी। सूर्य भगवान जी उदय हो गए हैं, उस पार देखिए अब हल्का हल्का दिख रहा है सूर्य जी निकले। तो अब हाथ दीदी उठा रही है। तो यही है महापर्व छठ पूजा, उगते हुए सूरज के सब पूजा करते हैं और डूबते हुए सूरज के भी पूजा करते हैं। तो ये हो गया महापर्व छठ पूजा। तो इधर जो है सो दीदी सूर्य देव को पूजा कर रही है, जल अर्पण कर रही है, कर ली। हम भी आशीर्वाद ले लिए सूर्य देव से, गलती सलती सब क्षमा। तो पूजा हो गया, अब दीदी सिंदूर कर रही है, प्रसाद दे रही है। ये कोसिया में से जो है सो प्रसाद जो है सो अचरा में दे रही है। सारे सुहागन को जो है ये कोसिया वाला प्रसाद मिलता है। तो छठ पूजा हो गया संपन्न, सूर्य भगवान जी उदय हो गए, सब अर्घ दे दिया। अब देखिए सब डाला सब जो है सो सबका घर भी चला गया, अब घाट भी धीरे धीरे खाली हो रहा है। देखिए उधर का पूरे घाट खाली हो गया, सामने का पूरे घाट खाली, इधर भी खाली और हम लोग का भी घाट खाली। सारा डाला चला गया घर। तो हम लोग घाट पर से आए हैं मंदिर, तो ये है सिमरी का मंदिर। तो यहाँ भी पूजा हो रहा है, दीदी कर रही है, अब हम भी करेंगे। तो ये मिल गई है मेरी माँ के सहेली, ये मेरी माँ के सहेली है, बहुत दिन के बाद मिली।
छोटा से बड़ा हुए भी नहीं कोई जानता ना हमको ना हम तो अपने मायके से अब ले रहे हैं विदाई। हो गया छठ पूजा संपन्न, अब मायके छोड़ करके फिर से अपने घर की ओर निकल पड़े हैं। तो देखिए पूरे मोहल्ले के मेरी दोस्त, मेरी दीदी सब, बच्चे सब सब हमको छोड़ने के लिए आ रही है। चले कुछ कहना, चलिए ना और कुछ कहना होना है। बाय वंडी मिया, बाय रोज, बाय बाय।